आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी और रीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी व्याकरण के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह आपको उनको हल करना है। क्या आप ये प्रश्न अच्छे से हल कर पा रहे हैं? क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं? तो ये दूसरी टेस्ट सीरीज है। पहली टेस्ट सीरीज हम पढ़ चुके हैं। दूसरी टेस्ट सीरीज में देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं। और ये पूरे प्रश्न जब सही होते हैं तो हम जो है रीट का, यानी जो है रीट हिंदी के लिए पूरा मॉडल पेपर भी हम पढ़ के देखेंगे कि आपको कितने अंक जो उसमें से बन रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं सीईटी में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, रीट जो मेन एग्जाम अभी जो होने वाली है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। रीट की जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन रीट की जो मेन एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब जैसे सीईटी में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको पूरा खेलना है, यानी आपको पूरा, चाहे आपको थोड़ा सा भी सही लगता है तो उसे आपको भरना है। तो कहने का अर्थ है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, देखिए आइए चलते हैं और आज आप कितना हल कर पाते हैं मुझे बताइएगा जरूर कि हमारे इतने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए पहला प्रश्न, देखिए सबसे पहले प्रश्न आ जाता है योगदान में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्यय भाव समास, कौन सा समास है? और इसमें आपके समास है तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष समास है जिसमें ए उत्तर आ जाता है योग का दान, यानी योग का दान, यानी का के की संबंध तत्पुरुष है। इसमें कौन सा है? संबंध तत्पुरुष है। उच्छवास का संधि विच्छेद कीजिए। उच्छवास जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च प्लस श्वास, उच्च प्लस श्वास, उत्त प्लस श्वास, उत्त प्लस छवास। इनमें से कौन सा सही है आप अपने हिसाब से लगाइएगा और उत्तर सही होगा सी, उत्त प्लस श्वास, उच्छवास का। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, सवारथी, मतलबी, क्या कहा जाता है? अपना मतलब साधता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्वार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है, स्वार्थी। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग आप जानते हैं शब्द से पहले लगता है। बहिर, बहिर, बहिष, बही, इनमें से कौन सा? देखिए इसमें रे के नीचे हलंत है, इसमें हलंत नहीं है। इतना भी आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो इसमें आपके कौन सा आएगा? ए वाला आएगा, बहिर, यानी रे के नीचे जो हलंत लगा हुआ है वो आएगा बहिर्मुखी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? अपन ने देखा था जैसे सरल वाक्य, इसके अलावा आपके संयुक्त वाक्य, इसके अलावा आपके मिश्र वाक्य, ये अपन ने पढ़े थे। तो ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तो इनमें से ये छांटना है कि मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रम ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। अब इनमें से कौन सा है जो नहीं है? अब इनमें से क्या है कि जिनमें कनेक्टिव वर्ड जो होते हैं, जैसे जो है, जिसे है, ठीक है, जिसमें है, इस प्रकार के शब्द होते हैं वो तो मिश्र होते हैं क्योंकि दो वाक्यों को मिलाया है, मिश्रित किया गया। लेकिन इसमें देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन बल्कि ईमानदार भी है। तो कहने का अर्थ है कि ये एक ही वाक्य है, ठीक है, ये एक ही वाक्य, जिसमें बी है वो मिश्र वाक्य नहीं है, बाकी तीनों के तीनों मिश्र वाक्य, ए भी मिश्र है, सी भी मिश्र है और डी भी मिश्र है। इसी प्रकार शब्द आ गया, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कर्तज्ञ, अभ्यस्त, संपादित, कर्तव्य। कृतज्ञ का आप जानते हैं कृतघ्न होता है, कृतज्ञ का जो एहसान नहीं मानता वो कृतघ्न होता है, जो एहसान मानता है अर्थात जो परोपकार को मानता है उसे कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतघ्न होता है। संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द, उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार, तो इनमें से कौन सा होना है? इनमें से होना है विकीर्ण। क्या होगा? संकीर्ण का विकीर्ण होगा, संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। मृगधर शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, मृगधर, मृगधर,
मृगधैर्यन सिंह, चंद्रमा और शिव, मयूर, उनमें से कौन सा है? और इनमें से आप जानते हैं शिव है, क्योंकि शिव मृग छाला धारण करते हैं, इसलिए उसको मृगधर भी कहा जाता है, इसलिए इसमें शिव है। चंद्रधर भी कहते हैं, शिव का नाम एक चंद्रधर भी कहते हैं, चंद्रमूल, चंद्रचूड़ भी कहते हैं, चंद्रमौली भी कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि शिव है, इसका मृगधर का यहां पर अर्थ है वो शिव है। पराग शब्द का पर्यायवाची सब सुनिए, पराग इन भारती, फूल, सुगंध और सुकुमार। पराग का अर्थ वैसे रस भी होता है, लेकिन यहां पर जो है इसका सुगंध है। क्या है? पराग यानी सुगंध भी होता है, तो सी उत्तर हो जाएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो जरूर आप अपने ऑथेंटिक बुक से मिलान कीजिएगा, और यदि कोई इधर उधर होता है तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, ताकि भविष्य में उसका सुधार किया जा सके। गयंद शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प क्या होगा? गयंद शब्द का यानी गयंद शब्द का इनमें से अर्थ क्या है? बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गेंडा, बड़ा हाथी, इनमें से क्या है? इनमें से यानी क्या होगा? गयंद का अर्थ क्या होगा? गयंद का अर्थ होता है बड़ा हाथी। क्या अर्थ होता है? बड़ा हाथी, बड़ा हाथी गयंद का अर्थ है, यानी गयंद का अर्थ होता है आपके, हाँ बिल्कुल सही है, बड़ा हाथी होता है, गयंद यानी बड़ा हाथी कहते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा है, एक अनुप्रास है, एक संभावना है, एक उत्प्रेक्षा है, कौन सा है? खिली हुई हवा आई और इसमें अलंकार है आपके, फिरकी सी, इनमें नहीं सी, तो इसका मतलब उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है, जिसमें वाचक शब्द होते हैं सा, सम, सदृश, ये जो वाचक शब्द होते हैं वो कौन सा होता है? यानी उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न आ जाता है कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास है, एक दृष्टांत है, एक संभावना है, एक उदाहरण है, कौन सा है? और इसमें सीधा सा है, विरोधाभास है, जहां पर विरोध नहीं दिखते हुए भी विरोध, नहीं होते हुए विरोध दिखता है, तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, यानी विरोधाभास अलंकार है। इसी तरह जैसे निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि रहित वाक्य छांटकर, इनमें से तीन वाक्य शुद्ध है, तीन वाक्य अशुद्ध है, तीन वाक्य क्या है? अशुद्ध है और एक शुद्ध है, कितने हैं? एक शुद्ध है, वो छांट करके देखना। जैसे गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, इनमें से कौन सा है जो सही है? गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गलत हो गया। गीतों की एक, गीतों की नहीं, वही बात हो गई कि बंदर को काट कर केला खिलाओ। ऐसा जैसे मान लो प्रश्न सवाल आ जाता है कि बंदर को काट कर केला खिलाओ, क्या ये वाक्य सही है? सही नहीं है। सही होगा बंदर को केला काट कर खिलाओ, बंदर को केला है वो काट कर खिलाओ, जबकि कई लिखते बंदर को काट कर केला खिलाओ, तो यानी हम जो है जल्दी में उसका अर्थ अलग लगा लेते हैं, तो यानी ये भी नहीं, यही बात, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए नहीं, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए नहीं, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये बिल्कुल सही है और इसमें बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि रहित वाक्य छांटकर, वही बात है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भी जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से आपके, मैं सारी रात भर नहीं होता, ठीक है, मैं पूरी रात भर भी नहीं होता, ठीक है, जागता रह गया, देखो इसमें रह गया शब्द है, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा नहीं, मैं सारी रात जागता रहा, ये पूरी डी इसमें सही है। इसी प्रकार का एक वाक्य और है कि इस वाक्य में तीन गलत है, एक सही है। जब तक मैं नहीं आऊं इस समय तक तुम पढ़ते रहना, इस समय तक, देखिए इसमें इस समय नाम आ गया,
जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। आप देखिए कौन सा सही है इसमें, यानी इसमें दो नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं इसमें नहीं, जब तक मैं न आऊं, यानी जो जब पूर्णतः सही लिखेंगे तब इसी प्रकार लिखेंगे, तो बी उसमें उत्तर सही है। निम्नलिखित में से वही बात है, अब जैसे इनमें से तीन वाक्य गलत है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं, मैं आसानी सहित कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, और यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूं, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। बताइए इनमें से कौन सा सही है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, आसानी से कर, नहीं तो आसानी पूर्वक होगा, नहीं आसानी सहित होगा, नहीं आसानी के सहित साथ होगा, आसानी से मैं यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, तो इसमें भी उत्तर सही है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक व्यंजन जो है पार्श्विक है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, स, ल, झ, ये इनमें से कौन सा है, और पार्श्विक व्यंजन वो होते हैं जब उनको हम बोलते हैं तो अपने दोनों ये जो अपना मुंह है दोनों साइड से जो हवा निकलती है, इनमें से कौन सा अक्षर है जिनको बोलते समय दांतों के आर पार यानी जैसे दोनों तरफ से हवा निकलती है, तो वो होता है ले, ले को हम बोलते हैं तो दोनों तरफ दोनों जबड़ों के पास अक्षर से होकर के हवा निकलती है, इसमें ले होता है, ले है, या हड़े जो होता है, हड़े को ही नवीनतम रूप लय है, तो इसमें बी उत्तर सही होगा। उनमें एक शब्द किस प्रकार का है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है, आगत है, कौन सा है, और उनमें एक शब्द है वो तद्भव है, उनमें इसका उनमें एक है, तो ये तद्भव शब्द है। किस बोली में अथवा भाषा में, यहां पर भाषा भी हो सकता है, किस भाषा अथवा बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है, यानी बोलते समय ने परसर्ग लगाते हैं, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में, कौन सी में लगाया जाता है, और वो लगाया जाता है खड़ी बोली, किसमें लगाया जाता है, खड़ी बोली में। जैसे राम ने मुझसे कहा, राम ने, मोहन ने गाना गाया, यानी कहने का अर्थ है कि ने उपसर्ग है वो लगाते हैं। अगला देखिए आपके, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, इनमें से किसने सबसे पहले हिंदी शब्द सुझाया था, और वो सुझाया था राजा राम मोहन राय ने, इसमें सी उत्तर सही है। जो देव जो महान है, देव जो महान है, ये किस समाज का उदाहरण है, कर्मधारय समाज का है, बहुव्रीहि का है, अव्ययीभाव का है, तत्पुरुष का है, किसका है, देव जो महान है कर्मधारय का है, बहुव्रीहि का है, अथवा अव्ययीभाव का है, किसका है, और यह है आपके कौन से का उदाहरण है, कर्मधारय का, किसका है, महादेव, महान है देव जो, महादेव, महादेव यानी महान है देव जो, अर्थात कर्मधारय समास है, पीतंबर पीला है अंबर जो, यानी कर्मधारय समास है। आच्छादित का उचित संधि विच्छेद बताइए, आत प्लस छादित, आक प्लस छादित, आ प्लस छादित, आच प्लस छादित, इनमें से आच्छादित का सही संधि विच्छेद क्या है, और इसमें आच्छादित का सही संधि विच्छेद यही होगा, आ प्लस छादित, क्या होगा, आ प्लस छादित, आ प्लस छादित। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति को शक्ति लिखने से उच्चारण का कौन सा दोष आ जाता है, जैसे शक्ति शब्द है इसको हम शक्ति लिख देते हैं ऐसे, तो कौन सा उच्चारण का कौन सा दोष है, ये बताना है उच्चारण का कौन सा दोष है, स्वर लोप, स्वर भक्ति, स्वरागम, स्वर भंग, कौन सा है, इसमें स्वर भक्ति दोष आ गया है, कौन सा आ गया है, स्वर भक्ति दोष आ गया है, क्योंकि शक्ति ई की मात्रा ये है और इसको हम बड़ी मात्रा है, उसमें स्वर का पालन नहीं हुआ है, स्वर भंग नहीं हुआ है, ना स्वर लोप हुआ है, स्वर भक्ति का दोष है इसमें।
यानी जैसे बड़ी आवाज जो है बड़ी बोलनी चाहिए वो छोटी बोलते हैं, ऐसे निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण जो होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, उनमें से जैसे पै जय घ व, इनमें से कौन सा है जो महाप्राण है? ये तीन तो अल्प प्राण है, पै जय और व, ये अल्प प्राण है, और घ जो है ये क्या है? महाप्राण है। महाप्राण क्या होता है? जैसे पेला और जैसे यानी जैसे दूसरा, सॉरी, दूसरा और चौथा अक्षर, दूसरा और चौथा अक्षर है वो लगभग महाप्राण होते हैं, जैसे ख और घ, ख और घ, छ और झ, ठीक है, ठ और ढ, इस प्रकार ये जो है महाप्राण है। बाकी जो ध्वनियां है वो अल्प प्राण है। अल्प प्राण में जैसे कै गे और अड़े, ये अपन कहते हैं ना कै गेड़े, अल्प प्राण अर्थात ये अल्प प्राण है। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, एक सामान्य क्रिया है, पूर्वकालिक है, एक असामान्य है, कौन सी क्रिया है इसमें? इसमें आपके संयुक्त क्रिया है, पढ़ रहा था संयुक्त क्रिया है। पितृ प्लस अनुमति, इसका संधि पद क्या होगा? पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृनुमति, पित्रानुमति, इनमें से कौन सा सही है? और इसमें होगा आपके पितृनुमति, पित्रानुमति नहीं होगा, पितृनुमति, ये सी, इसमें क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा इसमें, पितृनुमति। तो ये प्रश्न मैंने आज इतने ही बनाए हैं ताकि आप देखें कि आपको कैसा लग रहा है, जरूर मुझे बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।